Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, in the last class I taught you about the past indefinite tense and negative, interrogative and question word sentences. Okay friends, so today I am going to teach you about infinitive in the past indefinite tense. Okay friends, so let's start the class of the day. Friends, infinitive आपके लिए अभी कोई नया शब्द नहीं होगा, क्योंकि मैंने बेसिक में भी इन्फिनिटिव के बारे में काफ़ी सारा कुछ पढ़ाया हुआ था, और अभी टेंस में भी मैंने प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इन्फिनिटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था। तो इन्फिनिटिव का मतलब यही होता है कि टू प्लस वर्ब, मतलब जब हम वर्ब से पहले टू लगाते हैं तो उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, यानी कि किसी भी टेंस वाले सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब आता है तो उसमें हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और उसका इंग्लिश किस तरह से बनाते हैं। आइए तो हम एक सेंटेंस लेते हैं कि वह खेलने गया तो ही वेंट, सेकंड फॉर्म लगेगा टू प्ले, और जो हम दूसरा वर्ब लिख रहे हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आप इतना याद रखना, इन्फिनिटिव में हमेशा ऐसा ही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से कि जो मेन वर्ब है उसका वही फॉर्म रहेगा जो उस टेंस में यूज़ किया जाता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। जैसे इसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसमें सेकंड फॉर्म लगेगा, और जो सेकंड वर्ब है, दूसरा जो वर्ब है जो जिसमें हम टू लगाते हैं, टू के बाद लिखते हैं, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया का पहला ही रूप लिखेंगे। ठीक है, मैंने उससे मिलना चाहा, मैंने उससे मिलना चाहा तो आई वॉन्टेड, सेकेंड फॉर्म टू। अब यहाँ पे दूसरा वर्ब है तो मीट हिम, यहाँ पे पहला फॉर्म ही लगेगा, आई वॉन्टेड टू मीट हिम। ठीक है फ्रेंड, मेरा भाई वहाँ जाना चाहा, मेरा भाई वहाँ जाना चाहा तो माय ब्रदर वांटेड टू गो देयर। ठीक है, उसने मुझे ठगने की कोशिश की, उसने मुझे ठगने की कोशिश की तो ही ट्राइड हो जाएगा, वाई हट जाएगा, आई लग जाएगा, ट्राइड टू चीट मी, ही ट्राइड टू चीट मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। अभी इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस का हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड बनाकर, एक एक दो दो सेंटेंसेस बनाकर और अच्छी तरह से समझते हैं इन्फिनिटिव का इस्तेमाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। पहले, उसने जीतने की कोशिश नहीं की तो ही Did not try to win। यहाँ पर नेगेटिव आ गया, इसमें से दोनों वर्ब में से किसी वर्ब में भी सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो डिड आ गया ऑलरेडी, दिस इज द सेकेंड फॉर्म, इसलिए हम यहाँ पर किसी में भी सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। दूसरा लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या उसने जीतने की कोशिश की, क्या उसने जीतने की कोशिश की तो डिड ही ट्राई टू विन। क्वेश्चन वर्ड, उसने
जीतने की कोशिश, कब की? उसने जीतने की कोशिश कब की? तो व्हेन डिड ही ट्राई टू विन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इन्फिनिटी वाले सेंटेंसेस में हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल है, सेम फार्मूला है, इसमें सिर्फ दो दो वर्ब आ रहे हैं। तो आपको यही ख्याल रखना है इसमें इन्फिनिटी वाले में कि दोनों वर्ब में से किसी भी वर्ब में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वैसे भी हम इससे पहले जो हमने बताया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंसेज में वर्ब का पहला फॉर्म ही लगता है और सभी जगह पर ऐसा ही होगा। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएंगे और उसमें डिड आएगा, फिर उसमें जब पहला फॉर्म सेकंड फॉर्म लगता है तो फिर पहला फॉर्म लगेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इन्फिनिटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में भी आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह से। तो थोड़े कुछ और सेंटेंसेस हम स्क्रीन पर देखते हैं कुछ और ज़्यादा समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए। देखिए, He tried to kill me. उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। They didn't want to meet me. उन्होंने मुझसे मिलना नहीं चाहा। Why didn't you want to take it? आपने इसे लेना क्यों नहीं चाहा? Did you try to solve this sum? क्या आपने इस सवाल को हल करने की कोशिश की? He never wanted to meet me. वह मुझसे कभी मिलना नहीं चाहा। She tried to talk to me. उसने मुझसे बात करने की कोशिश की। You never wanted to give up smoking. आपने कभी धूम्रपान छोड़ने की नहीं चाही। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेवर है इसलिए हमने डिड नहीं लगाया है। Why did you want to meet my sister? वो मेरी बहन से क्यों मिलना चाहा? ओके फ्रेंड्स, तो आज तक के लिए इतना ही। और जाते जाते मैं फिर से आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।